नमस्कार। आज के बाल बलिदानियों की सौर्य कथा में 12 वर्ष के नारायण दाभाड़े की कहानी है। ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं और कुल 12 वर्ष की उम्र में करीब करीब हजारों बंदूकों के सामने खुद को झोंक देने वाले इसकी अमिट शौर्य गाथा है। दरअसल इस सब की कहानी एक नेतृत्व के लेकर है, जिन्होंने एक बड़े संगठन का नेतृत्व किया। जब हजारों लोग संघर्ष की राह पर थे, तब ये 12 साल का बच्चा उन सब लोगों का नेतृत्व कर रहा था, अगली पंक्ति में खड़ा था। ये जुनून, ये जोश पैदा कैसे हुआ, उसकी कहानी अकेले इतने भर से शुरू नहीं होती। दरअसल ये आज़ादी हमको लोग कहते हैं कि बहुत आसानी से अहिंसा से मिल गई, उसकी कहानी नहीं है। इस कहानी में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है उस हिंसा के आगे। तो ये कहानी उस समय शुरू होती है जब भारत की आज़ादी के लिए देश मचल उठा था। बच्चे बच्चे में आज़ादी हासिल करने के लिए ललक पैदा हो गई थी, कसक पैदा हो गई थी। उस दौर में माताएं, बहनें, बच्चे, क्या सब के सब देशभक्त होने का एक जज्बे में थे, एक जुनून में थे। घर परिवार में इस तरह की कहानी और शौर्य गाथाएँ होती थीं। उसी दौर में एक परिवार पुणे का था, परम राष्ट्रभक्तों के परिवारों में से आता है। नारायण दावे दाभाड़े करीब 12 वर्ष के आसपास में नवी कक्षा के छात्र हैं और उन पर इन सब बातों का इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने 12 साल की उम्र में एक संकल्प ले लिया था कि जीवन जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तब भी देश के लिए। और उनका ये संकल्प एक बड़े नेतृत्वकर्ता के तौर पर बच्चों के बीच में खूब प्रसिद्ध हो रहा था। अंग्रेज हुकूमत और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों तक इस बच्चे की खबर थी कि इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ बच्चों में क्रांति जगा रहा था। और जैसे ही 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को जब गिरफ्तार किया, तो सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजों के साथ देखने को मिला कई जगहों पर। उसी में से पुणे का ये विद्रोह सामने आता है, जिसमें करीब हजारों की संख्या में सशस्त्र विद्रोह की जो स्थिति बनती है और सेना के साथ, सिपाहियों के साथ लोग खड़े होते हैं लड़ने के लिए क्रांतिकारी, तो उस पूरी की पूरी भीड़ का नेतृत्व ये 12 साल का बच्चा कर रहा था। अपने हाथ में तिरंगा लिए था और अंग्रेजी हुकूमत को ललकार रहा था। हर बार की तरह इन सितमगढ़ अंग्रेजों का वही काम था जो पहले किए गए थे। निहत्ते लोगों पर बंदूकों की नालियां खोल दी गई, ऐसी लाशें गिर रही थी जैसे पके आम के पेड़ से जो फल गिर रहे हों, कोई गोली खाली नहीं जा रही थी। ऐसे में भीड़ में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े नारायण ने एक सिपाही की बंदूक पकड़ी और जूझ गया उससे। एक क्या कई सारी बंदूकें अब इसके शरीर की तरफ हो गई, शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया, खून की नदी सी बह गई। मगर इस बालक ने शौर्य की जो गाथा कही वो अपने आप में हमेशा के लिए अमिट हो गई। तो कल किसी और बाल बलिदानी के साथ फिर मैं आपके साथ में रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।